नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, और कंप्यूटर का जो हमने टॉप 500 क्वेश्चन का जो कोर्स स्टार्ट किया था, जो सबके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है, ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो वो पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मिलेगा आपको, तो उससे आप जो है सारे के सारे पार्ट देख सकते हैं। यदि आप हरियाणा जीके का कोर्स 30 डेज का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया मिलेगा। कोर्स की डिटेल है और डेमो क्लास भी आपको अवेलेबल है उस पर, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 100 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 101 से स्टार्ट करते हैं। कितने बिट का एक बाइट होता है? तो 8 बिट का एक बाइट होता है। एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है तो उसको हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कंट्रोल केंद्र, एक कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हम बात करें, इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1982 में, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइप कितना होता है? तो 10^8 जो सेकंड जो इसका है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है। सामान्य फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? तो 5.25 इंच और 3.5 इंच होता है फ्लॉपी डिस्क का साइज, ठीक है। 5.25 और 3.5 आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो उसको बोलते हैं हम एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस ये वो बस नहीं है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज में बस होता है। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा हमें इसको यूज करते हैं कीबोर्ड। तो ये कुछ आपको दिख रहे हैं सिंबल हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क्स, विषमाधिबोधक, ये जितने भी सिंबल हैं आदि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लॉजिकल श्रेणी के अंतर्गत। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? राइट लेफ्ट आपने देखा हो, बीच में स्क्रॉल होता है, माउस का आविष्कार है और डगलस ने किया था, तो पॉइंटिंग डिवाइस है ये। लाइट पेन से पेड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? तो इसे आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। लाइट पेन से जो पेड पे लिखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल जो भी वीडियोज आते हैं एजुकेशन रिलेटेड, या तो वो पेड का यूज़ करते हैं, उस पर जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, तो वो मॉनिटर पर आप देख सकते हैं। OBR किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब इसकी क्या फुल OBR की फुल फॉर्म? तो ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर OBR। CTR किसका, CTR की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं LCD, जैसे LCD की आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 16 KB का। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 16 KB का। और HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो वो करता है 64 KB का, किलोबाइट, KB का मतलब होता है किलोबाइट। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? तो लाइन एंड पेज प्रिंटर बोलते हैं उसको, लाइन एंड पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उस समूह को बोलते हैं रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोला जाता है। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों में सिंबल्स के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो एक्सप्रेशंस बोलते हैं उनको, जो सिंबल बेसिक लैंग्वेज में जिन सिंबल का यूज होता है उनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड और
नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो ये लॉजिकल के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण हैं उनको वर्क स्टेशन बोलते हैं। कंप्यूटर की किस फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मोडम का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? मोडम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है? तो ये करता है 4 and 12 मेगाहर्ट्ज का। PSDN का फुल फॉर्म बताना है आपको, पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड डेटा नेटवर्क। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। ऐसे ही हम ये 15-20 पार्ट के अंदर ये आपके 500 क्वेश्चन हैं मैं आपको कवर अप करा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि जो वीडियो है थोड़ी ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आप जवाब जरूर देंगे। तो आपको बताना है कि भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई, भारत में जो इंटरनेट है वो कब आया, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपको पता है, और कमेंट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आप। धन्यवाद।